हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम सुपरपोजिशन थ्योरम ये टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज हम सुपरपोजिशन थ्योरम का 9th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके 8 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, उसी के साथ साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के और भी कई नंबर ऑफ टॉपिक्स हमने स्टडी किए थे। तो इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें सुपरपोजिशन थ्योरम का 9th प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, उसके लिए क्वेश्चन रहेगा, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ब्रांच फॉर द सर्किट शोन बिलो बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो देखिए क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया था वो आपके सामने है। इसके लिए क्वेश्चन था कि फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ब्रांच, इसका मतलब यहां जितने भी ब्रांचेस है सभी ब्रांचेस में फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना है और ये हम बाय सुपरपोजिशन थ्योरम सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के लिए बिल्कुल वही टेक्निक अप्लाई करेंगे जो हमने इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स में अप्लाई किए थे। सबसे पहले तो ये देखिए, हमने नीचे एक टेबल बना के रखे हैं, यहां पे कितने ब्रांचेस है, तो यहां टोटल 3 ब्रांचेस है। ये देखिए, ये लेफ्ट साइड का एक ब्रांच, ये राइट साइड का एक ब्रांच और ये एक बीच का ब्रांच, टोटल यहां पे 3 ब्रांचेस है। तीनों ब्रांचेस में हमें फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए, यहां पे ब्रांच 1, देन ब्रांच 2 और ब्रांच 3, यहां पे 2 सोर्सेस है, इधर एक सोर्स है करंट सोर्स और इधर एक है वोल्टेज सोर्स। ये दोनों सोर्सेस के वजह से कितना कितना करंट हर एक ब्रांच में से फ्लो हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां पे हम वो बारी बारी से जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हम यहां पे आंसर्स लिखा करेंगे और एट द लास्ट हम फिर सभी का समेशन करेंगे। तो चलो यहां पे हम इसको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। कोई भी सर्किट में जहां 2 या 2 से ज्यादा सोर्सेस है वो सर्किट को आप सुपरपोजिशन थ्योरम से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे जो 2 सोर्सेस दिए हैं उधर का सोर्स है करंट सोर्स, क्योंकि यहां पे एम्पियर लिखा है और यहां पे करंट का डायरेक्शन भी दिया है, और ये है वोल्टेज सोर्स क्योंकि यहां प्लस माइनस लिखा है और वोल्टेज का भी लिखा है, इट मींस ये वोल्टेज सोर्स है। तो चलो हम इसको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम करंट सोर्स लेंगे, तो हम यहां लिखेंगे स्टेप नंबर 1, कंसिडर करंट सोर्स, कंसिडर 2 एम्पियर करंट सोर्स। तो चलो 2 एम्पियर करंट सोर्स को लेंगे और एक नया डायग्राम बनाएंगे। ये जो पूरा सर्किट है उसमें ये करंट सोर्स को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करो, क्योंकि सुपरपोजिशन थ्योरम का ये बेसिक प्रिंसिपल है कि जब भी आप एक सोर्स को कंसीडर करते हैं तो दूसरे सोर्सेस को आपको डीएक्टिवेट करना होता है। तो वोल्टेज सोर्स को जब डीएक्टिवेट करते हैं तो उसको रिप्लेस करना पड़ता है बाय शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स को जब डीएक्टिवेट करते हैं तो उसको रिप्लेस करना पड़ता है बाय ओपन सर्किट। अभी यहां पे हम करंट सोर्स को कंसीडर कर रहे हैं और वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट कर रहे हैं, इट मींस इसको रिप्लेस करो बाय शॉर्ट सर्किट, इट मींस उसके दोनों एंड्स को ऐसा ज्वाइन करके उसको शॉर्ट कर दो और एक नया सर्किट बनाओ। तो चलो यहां पे एक नया सर्किट, एक न्यू सर्किट हम यहां पे ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए न्यू सर्किट आपके सामने है, हमने करंट सोर्स को यहां कंसीडर किया है और जहां वोल्टेज सोर्स था हमने उसको ऐसे शॉर्ट कर दिए, और अब हमें ये स्टेज में हर एक ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है, करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ब्रांच। यहां टोटल 3 ब्रांचेस है, तो हमने कहा था कि जो 3 ब्रांचेस है आप तीनों ब्रांचेस को यहां नाम दे दो। तो सबसे पहले ये जो ब्रांच है, देखिए ये जो लेफ्ट साइड का ब्रांच है, ये लेफ्ट साइड के ब्रांच को हम कहेंगे ब्रांच नंबर 1। देखिए ये लेफ्ट साइड के ब्रांच को कहेंगे ब्रांच नंबर 1, ये जो बीच का ब्रांच है इसको हम कहेंगे ब्रांच नंबर 2, ठीक है, और ये जो लास्ट ब्रांच है ये ब्रांच को कहो ब्रांच नंबर 3, तो हम इसको कहेंगे थर्ड ब्रांच। देखिए हमने इसको ऐसा ब्रांच नंबर दे दिए और अब यही ब्रांच नंबर आप फर्स्ट स्टार्टिंग से आप लास्ट तक आप यही ब्रांच नंबर के साथ चलेंगे, ब्रांच का नंबर आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम यहां पे स्टेप नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं, करंट सोर्स, हमें करंट सोर्स कंसीडर करना है। तो ये हमने डायग्राम बना दिए और अब ये करंट सोर्स का ये जो करंट है 2 एम्पियर इसको फ्लो कराओ। ये देखिए ये करंट सोर्स का ये जो करंट है ये ऐसा फ्लो हो रहा है और फ्लो होके जो है वो यहां पर डिवाइड हो जाएगा, कुछ इधर जाएगा और कुछ इधर जाएगा। देखिए 2 पार्ट में करंट डिवाइड हो गया, यहां से जो करंट आ रहा है ये है टोटल करंट, तो ये है टोटल करंट IT, यहां पे 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। हम इसको कहेंगे, हम इसको नाम देंगे, तो हम इसको कहेंगे I3 डैश। देखिए इसको नेमिंग क्या देना है, हम इसको देंगे I3 डैश और हम इसको देंगे I2 डैश, और ये जो करंट आ रहा था IT हम इसको कहेंगे I1 डैश, IT यानी ही I1 डैश। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये ब्रांच नंबर 1 है, तो ब्रांच नंबर वन में से फ्लो होने वाला करंट हमेशा I1 के फॉर्म में होगा, ब्रांच नंबर 2 में से फ्लो होने वाला करंट हमेशा I2 के फॉर्म में होगा, और ब्रांच नंबर 3 में से फ्लो होने वाला करंट हमेशा I3 के फॉर्म में होगा। तो इधर का नाम I3 डैश है, इसका नाम I2 डैश है और इसका नाम I1 डैश है, और अब हमें ये तीनों करंट फाइंड आउट करना है, और तीनों करंट जो भी फाइंड आउट करेंगे वो हम यहां पे लिखेंगे। लेकिन सबसे पहले I1 डैश इट मींस IT यानी ही टोटल करंट, तो यहां पे हमें वो ऑलरेडी पता है 2 एम्पियर, तो इसका मतलब ब्रांच नंबर 1 में, देखिए ब्रांच नंबर 1 में 2 एम्पियर के वजह से फ्लो होने वाला करंट पता है, तो ये है 2 एम्पियर, तो हम लिखेंगे 2 एम्पियर, और इसका डायरेक्शन क्या है, तो इसका डायरेक्शन अपवर्ड है। ब्रांच नंबर 1 में
2 एम्पियर के वजह से 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है और उसका डायरेक्शन अपवर्ड है। और अब ये करंट को हम आगे चल के यहां पे दो पार्ट में डिवाइड करा रहे हैं और अब हमें I2 और I3 फाइंड आउट करना है। ऐसे में हम करंट डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे और करंट डिवीजन रूल अप्लाई करके I2 और I3 फाइंड आउट करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि करंट डिवाइड हुआ इसलिए हम करंट डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे I2 बाय करंट डिवीजन रूल। तो हम यहां लिखेंगे by CDR, it means by current division rule, I2 equals to, तो current division rule apply करते समय सबसे पहले total current का value लिखना है। total current है 2 ampere into resistance of opposite branch, सबसे पहले लिखते हैं total current जो कि 2 ampere है वो हमने लिख दिए और अब यहाँ पे numerator में लिखना है resistance of opposite branch। तो I2 और I3 में से आप I2 find out कर रहे हैं, ठीक है? तो I3 वाला branch जो है वो opposite branch है, तो opposite branch का resistance पूरा क्या हो जाएगा? opposite branch का पूरा resistance है यहाँ पे 25 plus 15, तो ये हो जाएगा 40 ओम ऊपर भी 40 ओम नीचे भी plus रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच। इसका मतलब करंट आप जहां से फाइंड आउट कर रहे हैं वो ब्रांच का रेजिस्टेंस, करंट आप यहां से फाइंड आउट कर रहे हैं ये ब्रांच का रेजिस्टेंस है 25, तो हम लिखेंगे 25। तो फाइनली ये पूरा I2 का इक्वेशन बन गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें I2 आसानी से मिल जाएगा और उसी तरह से आप I3 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो यहां पे हम I3 भी हम यहां पे लिख लेते हैं बाय अगेन करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल कैसे यूज करना वो हमने इसके पहले के सभी वीडियोस में बताए थे, तो इसके पहले के सभी सुपरपोजिशन थ्योरम के वीडियोस देखो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको सुपरपोजिशन थ्योरम ये प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वो प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलो फिलहाल यहां पे हम फिर से करंट डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे और I3 फाइंड आउट करेंगे। जब आपको I3 फाइंड आउट करना है तो चलो सबसे पहले फिर से टोटल करंट लिखेंगे, टोटल करंट 2 है इनटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच। जब आप I3 फाइंड आउट कर रहे हैं तो I2 वाला जो ब्रांच है ये हो गया अपोजिट ब्रांच, तो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस 25 ऊपर भी 25 नीचे भी प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच, मतलब करंट आप जहां से फाइंड आउट कर रहे हैं वो ब्रांच का रेजिस्टेंस यहां पे 25 प्लस 15, तो ये हो गया 40, तो हम लिखेंगे 40। और अब हम यहां पे I3 यहां फाइंड आउट करेंगे। करंट डिवीजन रूल यूज करते आना चाहिए। करंट डिवीजन रूल में सिर्फ दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच और एक है रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच। देखिए यहां पे अपोजिट ब्रांच, जब आप I2 फाइंड आउट कर रहे थे तो अपोजिट ब्रांच हमने 40 लिखे और जब हम I3 फाइंड आउट कर रहे हैं तो अपोजिट ब्रांच 25 लिखे। कैसे लिखे जरा एक बार समझ लो, I2 के लिए I3 वाला ब्रांच अपोजिट, ठीक है? टोटल करंट जब भी आता है, टोटल करंट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, टोटल करंट जो दो पार्ट में डिवाइड होता है उसमें से आप एक पार्ट फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप I2 फाइंड आउट कर रहे हैं, तो I3 जो नहीं फाइंड आउट कर रहे वही ब्रांच हो गया अपोजिट ब्रांच। तो I3 वाला ब्रांच अपोजिट ब्रांच है, तो I3 वाले ब्रांच में रेजिस्टेंस क्या है देखो, 25 और 15 दोनों सीरीज में, इसलिए 40 ऊपर भी आया 40 नीचे भी आया प्लस यहां रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच, मतलब करंट आप जहां से फाइंड आउट कर रहे हैं वहां का रेजिस्टेंस, करंट आप यहां से फाइंड आउट कर रहे हैं यहां का रेजिस्टेंस 25 है इसलिए 25। ये हो गया I2 में। I3 में बिल्कुल उसी तरह से, I3 के लिए जो है जब आप I3 सॉल्व करेंगे तो I2 जो है वो उसका अपोजिट ब्रांच, क्योंकि हमने कहा था करंट जब दो पार्ट में डिवाइड होता है तो आप एक पार्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, अब आप I3 फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर आप I3 फाइंड आउट कर रहे हैं तो I2 वाला ब्रांच अपोजिट ब्रांच, तो अपोजिट ब्रांच में है 25 इसलिए 25 ऊपर भी आया 25 नीचे भी आया प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच, मतलब करंट जहां से फाइंड आउट कर रहे हैं वहां का रेजिस्टेंस ये 25 प्लस 15 40 है इसलिए 40। और अब हम इसको कैलकुलेटर में पुट अप करेंगे, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो कैलसी में हम इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज 2 × 40 डिवाइडेड बाय पहला है 65, तो पहले का आंसर आ चुका है दैट इज 1.23, तो हम लिखेंगे 1.1 मिनट, तो ये हम लिखेंगे दैट इज 1.1 मिनट यहां पे 1.23 एम्पियर। और सेकंड जो है वो हम यहां पुट अप करेंगे, तो ये हो गया एक मिनट 25 डिवाइडेड बाय ये 65 सेम है, तो ये हो गया 0.769 एम्पियर। और इसमें डायरेक्शन भी शो करा पड़ेगा, देखो I2 का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, तो I2 में हम यहां डाउनवर्ड डायरेक्शन दे देंगे और I3 का डायरेक्शन ऐसे राइटवर्ड है, तो हम इसमें राइटवर्ड जो है यहां पे ऐसा राइटवर्ड डायरेक्शन यहां दे देंगे। तो फाइनली अब ये जो भी करंट हमने फाइंड आउट किए उनका वैल्यू हमें यहां लिखना है टेबल में। तो देखिए ब्रांच नंबर 1 का करंट तो हमने पहले लिख दिए थे, ब्रांच नंबर 1 का करंट जो है उसका नाम है I1 और वो है 2 एम्पियर, तो हमने लिख दिए। ब्रांच नंबर 2 का करंट देखिए, ब्रांच नंबर 2 का करंट, ब्रांच नंबर 2 ये है, ठीक है? ब्रांच नंबर 2 का करंट I2 उसका आंसर है दैट इज 1.23 एम्पियर, तो ये हम लिखेंगे 1.23 एम्पियर और इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ठीक है? और ब्रांच नंबर 3, ब्रांच नंबर 3 का जो करंट है वो है 0.769, तो लिखेंगे 0.769
एम्पियर और इसका डायरेक्शन जो है ऐसा राइट वर्ड है, हमने ऐसा राइट वर्ड दे दिए। ओके तो फाइनली ये हमने 2 एम्पियर करंट सोर्स के वजह से, 2 एम्पियर करंट सोर्स के वजह से तीनों ब्रांचेस में फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट कर लिए। ये देखिए 2 एम्पियर करंट सोर्स के वजह से तीनों ब्रांचेस में फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट कर लिए। और अब हम स्टेप नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। अब हमें दूसरा सोर्स कंसिडर करना है, सेकंड सोर्स। जब आप ये सोर्स लेंगे तो ये सोर्स को डीएक्टिवेट करेंगे। तो चलो स्टेप नंबर 2, कंसिडर 30 वोल्ट वोल्टेज सोर्स और ये 2 एम्पियर करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करो। इसका मतलब हमें इसको रिप्लेस करना है बाय ओपन सर्किट। करंट सोर्स को जब भी डीएक्टिवेट करता है तो उसको रिप्लेस करो, इट मींस उसके दोनों एंड्स को ओपन कर दो। तो देखो हम यहां स्टेप नंबर 2 लिखेंगे, स्टेप नंबर 2 कंसीडर वोल्टेज सोर्स, तो कंसीडर 30 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। और अब हमें फिर से नया डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये देखिए न्यू सर्किट आपके सामने है, ये हमने जो सर्किट बनाया प्रॉपरली चेक करो, दोनों सर्किट में डिफरेंस चेक करो। यहां पे करंट सोर्स है तो वहां पे करंट सोर्स नहीं है क्योंकि हमने उसको ओपन सर्किट कर दिए। और अब हमें ये स्टेज में तीनों ब्रांचेस में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए ये जो फर्स्ट ब्रांच है वो तो ओपन हो गया, फर्स्ट ब्रांच ओपन हो गया, इसका मतलब फर्स्ट ब्रांच में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब फर्स्ट ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट जीरो है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 30 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के वजह से फर्स्ट ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट जीरो है, तो हम लिखेंगे जीरो। ठीक है, हमने यहां जीरो लिख दिए। और अब हमें इसको सॉल्व करना है और दूसरे ब्रांचेस में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है। ये सेकंड ब्रांच और ये थर्ड ब्रांच, ये फर्स्ट ब्रांच तो जीरो हो गया लेकिन सेकंड ब्रांच और थर्ड ब्रांच में से तो करंट निकल सकता है, तो चलो वो फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे यहां पे ये दोनों एंड्स ओपन है, अगर ये ओपन है तो ओपन एंड्स में से करंट फ्लो नहीं होता, तो ओपन एंड्स को रिमूव कर दो। तो ये देखो हमने ओपन एंड्स को यहां से निकाल दिए, ओपन एंड्स को हमने निकाल दिए। और ऐसे में एक लूप आपके सामने आ गया। देखो एक सिंपल एक लूप है और यहां पे आपको अगर करंट फाइंड आउट करना है तो यहां पे सिंपली आपको ओम्स लॉ का यूज करना है। यहां पे तीनों रेजिस्टेंसेस को ऐड करो, वोल्टेज से डिवाइड करो, करंट I इक्वल्स टू V बाय R करके आपको करंट आसानी से मिल जाएगा। तो चलो हम यहां पे करंट आसानी से फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहां लिखेंगे करंट I, दैट इज टोटल करंट, टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस। तीनों रेजिस्टेंसेस को ऐड करो तो 25 प्लस 25 50, 50 प्लस 15 दैट इज 65। तो ये हमने लिख दिए। और अब हमें यहां टोटल करंट का वैल्यू कितना निकालना है वो हमें कैलकुलेटर से सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम सॉल्व करेंगे 30/65, तो ये आंसर आ चुका है 0.461। तो ये हम लिखेंगे 0.461 एम्पियर। तो ये हमें टोटल करंट मिल गया फ्लोइंग इन द सर्किट, ये पूरे सर्किट में 0.461 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। और उसका डायरेक्शन क्या होगा, देखो उसका डायरेक्शन ऐसा, क्योंकि प्लस ऊपर है कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन, आपको प्लस टू माइनस करंट शो करना है। तो ये देखिए ये करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, ये देखिए करंट कहीं पे भी डिवाइड नहीं होगा। लास्ट टाइम लास्ट स्टेप में जो है करंट यहाँ पे डिवाइड हुआ था और हमने करंट डिवीजन रूल यूज किए थे, लेकिन यहाँ करंट कहीं पे भी डिवाइड नहीं हो रहा है, पूरे सर्किट में एक ही सिंगल करंट फ्लो हो रहा है 0.461। इसका मतलब यह है कि ब्रांच नंबर 2 और ब्रांच नंबर 3 दोनों में 0.461 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, करंट कहीं पे भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ब्रांच नंबर 2 में से फ्लो होने वाला करंट हम इसको नाम देंगे I2 डबल डैश, और थर्ड ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट I3 डबल डैश। और ये दोनों का वैल्यू 0.461 एम्पियर है। तो ये देखिए 0.461 एम्पियर हमने लिख दिया, लेकिन डायरेक्शन के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन यहां क्या होगा, तो सेकंड ब्रांच इट मींस ये देखिए ये है सेकंड ब्रांच, तो सेकंड ब्रांच ये है 25 ओहम वाली, तो ये 25 ओहम वाली और इसमें से फ्लो होने वाला करंट आपने लिखे I2 डबल डैश, तो ये है वो I2 डबल डैश। ये सेकंड ब्रांच, इसमें से फ्लो हो रहा है I2 डबल डैश। आप चाहे तो लेफ्ट साइड में ये जो हमने ओपन किए थे, ये जो हमने ब्रांच को ओपन, यहाँ पे जो ब्रांच को ओपन करके हमने उसको रिमूव किए थे, आप वो भी ब्रांच ऐसे शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसका करंट भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं I1 डबल डैश करके, आप उसका करंट तो जीरो है, आप डायरेक्टली ऐसा जीरो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी हम शो करेंगे, ये देखिए इसमें से दैट इज I1 डबल डैश और इसमें से फ्लो हो रहा है जीरो। ठीक है, I2 डबल डैश में से फ्लो हो रहा है दैट इज 0.461 और इसका डायरेक्शन ऐसा डाउनवर्ड है। तो ये हम यहां दे देंगे इसका डायरेक्शन दैट इज डाउनवर्ड। ठीक है, और I3 डबल डैश माने ये जो करंट, ये जो थर्ड ब्रांच है, देखिए थर्ड ब्रांच ये है, क्योंकि देखिए थर्ड ब्रांच ये है, ये थर्ड ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट I3 के फॉर्म में आएगा। तो ये थर्ड ब्रांच में दैट इज I3 डबल डैश और ये करंट ऐसा लेफ्ट साइड जा रहा है। ये देखिए ये लेफ्ट साइड ही क्यों ले रहा है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में जब हमने स्टेप नंबर 1 किए थे तब हमने इसी यही साइड में से फ्लो होने वाला करंट I3 के फॉर्म वाला शो किए थे, जो कि राइट वर्ड लिए थे। इसलिए स्टेप नंबर 2 में भी हम यही साइड में से फ्लो होने वाला करंट लेंगे और वो I3 लेफ्ट साइड जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे I3 डबल डैश यहाँ लेफ्ट साइड दे देंगे। तो देखिए हमने फाइनली स्टेप नंबर 2 यहां पे पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है।
तो ये स्टेप नंबर वन कंप्लीट हो गया, स्टेप नंबर टू कंप्लीट हो गया, स्टेप नंबर टू के करंट्स हमें अब यहां लिखना है, तो चलो यहां लिखेंगे। और ब्रांच नंबर टू और ब्रांच नंबर थ्री में सेम करंट है 0.461 एम्पियर, और यहां पे भी 0.461 एम्पियर, लेकिन डायरेक्शन सेकंड ब्रांच का करंट का डायरेक्शन देखियो, सेकंड ब्रांच का करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो हम यहां शो कर देंगे ऐसा डाउनवर्ड, ठीक है। और थर्ड ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट ये देखिए वो लेफ्टवर्ड है, तो हम यहां शो कर देंगे ऐसा लेफ्टवर्ड। तो फाइनली हमने यहां पे पूरी तरह से ये देखिए पूरा टेबल यहां पे कंप्लीट कर लिए, लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ। अब हमें यहां जितने भी हमने सभी ये करंट्स फाइंड आउट किए सभी को प्लस करना है, और फाइनली टोटल कितना करंट ब्रांच 1, 2, 3 में फ्लो हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो वो हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए बहुत ही आसान है, तीनों करंट्स को अगर हमें प्लस करना है तो हम यहां स्टेप वाइज लिखेंगे। तो हम लिखेंगे स्टेप नंबर थ्री, यहां पे स्टेप नंबर थ्री लास्ट स्टेप है, स्टेप नंबर थ्री टोटल करंट, टोटल करंट, एक मिनट, टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू ब्रांच वन, फ्लोइंग थ्रू ब्रांच वन दैट इज आई वन हम यहां लिखेंगे। उसी तरह से टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू ब्रांच टू और ब्रांच थ्री वो भी हम यहां लिखेंगे। तो देखिए तीनों को कैसे ऐड करेंगे, देखिए ब्रांच वन में से सबसे पहले देखो ये ब्रांच वन है, ब्रांच वन में से पहले स्टेप में करंट फ्लो रहा है 2 एम्पियर और सेकंड स्टेप में करंट फ्लो रहा है 0 एम्पियर। ये 0 एम्पियर है इट मींस ये तो नहीं के बराबर है, इट मींस फाइनली ब्रांच वन में से फ्लो होने वाला करंट 2 एम्पियर है। तो ये हो गया ब्रांच वन में से फ्लो होने वाला करंट 2 एम्पियर, तो ये हो गया फाइनल पहला स्टेप, यहां पर ब्रांच वन का करंट मिल गया। अब ब्रांच टू, ब्रांच टू का करंट देखिए, ब्रांच टू का करंट पहले स्टेप में डाउनवर्ड जा रहा है और सेकंड स्टेप में भी डाउनवर्ड जा रहा है, देखो दोनों स्टेप का करंट डाउनवर्ड जा रहा है, इट मींस दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे दैट इज 1.23 प्लस 0.461। तो देखते हैं सेकंड ब्रांच में फ्लो होने वाला टोटल करंट कितना, हम इसको सिंपली जो है सिंपली इसको ऐड करेंगे, तो ये हो गया 1.691 एम्पियर, और इसका डायरेक्शन भी डाउनवर्ड रहेगा। तो ये हमने सेकंड ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट कर लिए 1.691 एम्पियर। और अब बचा है थर्ड ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट, तो देखिए थर्ड ब्रांच में स्टेप नंबर वन में से जो फ्लो हो रहा है करंट वो उसका करंट का डायरेक्शन राइटवर्ड है, और स्टेप नंबर टू में से फ्लो होने वाला करंट का डायरेक्शन लेफ्टवर्ड है, एक राइटवर्ड है एक लेफ्टवर्ड है, इट मींस ये दोनों का सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो बड़े में से छोटा माइनस करो, कौन सा वैल्यू बड़ा है देखिए ये वैल्यू बड़ा है 0.769 बड़ा है, तो इसमें से ये छोटा माइनस करो, तो 0.769 माइनस 0.461, तो यहां लिखेंगे 0.769 माइनस 0.461, और इसको हम कैलसी में सॉल्व करेंगे, तो हम लिखेंगे 0.769 माइनस 0.461, तो ये आंसर आ चुका है 0.308, तो ये हम लिखेंगे 0.308 एम्पियर। और हमने बड़े में से छोटा माइनस किए, तो जो भी करंट बड़ा था उसका डायरेक्शन आप देंगे, ये जो करंट बड़ा था इसका डायरेक्शन राइटवर्ड है, तो फाइनली ये डायरेक्शन भी राइटवर्ड रहेगा। तो ये हमने तीनों ब्रांचेस में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट कर लिए। तो फाइनली बहुत ही आसानी से ये हमने प्रॉब्लम कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ब्रांच, तो हर एक ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट हमने फाइंड आउट कर लिए बाय सुपरपोजिशन थ्योरम। ये था आज का सुपरपोजिशन थ्योरम का प्रॉब्लम नंबर 9। इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके 8 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, उसी के साथ साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के और भी कई नंबर ऑफ टॉपिक स्टडी किए थे। तो इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए, कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।